न उनके माताजी और पिताजी जब बिहार में सरकार में थे। पूर्व पौली की जनता बदली नहीं है, बिहार में भी नेता प्रतिपक्ष बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम तो विपक्ष के सवाल का जवाब दे। नमस्कार, मैं गणेश और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। राजपूतों के बड़े नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन का बयान जो है इन दिनों सुर्खियों में। उन्होंने कहा है कि राजपूतों को एनडीए गुलाम ना समझे, क्योंकि अगर बात की जाए तो लवली आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद खासे नाराज दिख रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह। राकेश जी, क्या लगता है, कैसे देखते हैं इस बयान को? आनंद मोहन ने इस तरीके का बयान दिया है कि 2025 में परिणाम भी एनडीए को भुगतने को मिलेगा। देखिए, आपको बिहार में भी नेता प्रतिपक्ष बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन सब विषयों पर आनी चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने अभी तक तो कुछ किया नहीं। न उनके माताजी और पिताजी जब बिहार में सरकार में थे तो कुछ किया नहीं, लेकिन अब अपराध, भ्रष्टाचार, पुल पुलिया, इन सब की बातें कर रहे हैं। तो आप अगर इस बात इस पर कुछ पूछते तो उनका जवाब हम देते। लेकिन आनंद मोहन तो आप ही के, उनकी पत्नी जो है आप ही के एनडीए सरकार में सांसद हैं एनडीए के, तो सवाल तो बनता है कि वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि भाई अनदेखा किया गया है राजपूतों को, तो इस पर आप लोग तो बता सकते हैं कि आखिर क्यों अनदेखा किया गया राजपूतों को? देखिए, इस विषय पर बोलने के लिए हम अधिकृत नहीं, हम तो विपक्ष के सवाल का जवाब दे। आपसे भी आग्रह होगा कि आप हमसे वही सवाल पूछें जिन बातों को बड़ी जोर शोर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं, आप उन बातों को हमसे पूछें। रुपौली विधानसभा उपचुनाव है, 10 जुलाई को वोटिंग होने हैं। आज तेजस्वी यादव भी रुपौली में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं, मुकाबला कितना कड़ा है? क्योंकि अगर बात की जाए तो एक तरफ राजपूतों के नेता जो पूर्व विधायक हैं भी चुनाव मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है, गोपाल मंडल ने भी कह दिया कि कालाधर मंडल के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि खुद राजपूत के नेता पहुंचे हुए हैं वहां पे और पूर्व विधायक भी रहे हैं, दूसरे नंबर पे पिछले बार रहे थे, तो उनकी दावेदारी मजबूत है, कहीं भी कालाधर मंडल नहीं जीत पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, लड़ाई तो एनडीए के खिलाफ ही सबसे है, तो एनडीए वहाँ मजबूत है, मजबूत स्थिति में है। अब कालाधर मंडल जी चुनाव जीते हुए पूरा समीकरण बिहार में जो विकास के काम हुआ है, देश में नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, तो रुपौली की जनता ने भी मूड बनाया है कि रुपौली में एनडीए को प्रचंड बहुमत से जिताना, रुपौली हम लोग जीतेंगे, जनता ने जनादेश दे दिया है। अब तो आज चुनाव के आखिरी दिन है, आखिरी दिन हम रुपौली की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि बिहार की सरकार ने और देश की सरकार ने जो आपके लिए काम किया है, आप उसको मोहर लगाकर एनडीए के हाथ को, नीतीश कुमार जी के हाथ को करें। लेकिन लगातार 5 बार से विधायक कर रही हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उसके बाद फिर जेडीयू में शामिल। आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जो चुनाव लड़ रही हैं वो भी हमारी पार्टी सभी चुनाव लगातार जीते रहे, वहाँ तो एनडीए जीते रहा है, जनता दल भी जीता है, वहाँ तो बीमा जी ही जीतेंगे ना, वहाँ किसी का कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का अभी तुरंत लोकसभा के चुनाव में पूर्णिया की जनता ने धूल चटाने का काम किया, अभी फिर से रुपौली में चुनाव हो रहा है, तो रुपौली की जनता बदली नहीं है, रुपौली की जनता ने तय कर लिया है फिर से राजद के प्रत्याशी को धूल चटाना है, इसलिए रुपौली में तो जीत तय है, एकदम आप जान लीजिए एनडीए को मोड़ देना है। बिहार में लगातार पुल की है, पुल के लेकर के विपक्ष लगातार आप लोग पर हमला कर रहे हैं, भाकपा माले भी कह रही है कि मानसून सत्र के दौरान जोरदार तरीके से हंगामा होगा क्योंकि लगातार पुल गिर रहे हैं, लेकिन सरकार मौन है, खामोश है, भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है कि भ्रष्टाचार से लिप्त है सरकार, क्या कहेंगे? देखिए, जिसने जीवन में शायद एक तो पुल बनाया
और वो भी पुल उनके सामने में ढह गया, वो भी पुल गिरने पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई सड़कें बनाएंगे, कोई पुल पुलिया बनाएंगे, कोई विकास का काम किया नहीं। बिहार को जंगल राज की ओर ले जाने वाले भी अब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पुल गिर रहा है। तो आप लोग, हमने 17 साल में 6,000 से अधिक पुल बनाया बिहार में, आप पुल बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जो लोग दोषी है, जो उन पुल जो पुल गिर रहे हैं उन पर कार्रवाई करें, लेकिन हम बता रहे हैं कि 6,000 पुल बनाया है, 6,000 पुल ही नहीं बनाया, हमने बिहार की जनता के साथ विश्वास का भी पुल बनाया, जिसने न कोई पुल बनाया ईंट का, न कोई विश्वास का पुल बनाया, वो भी पुल गिर रहे हैं उस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हास्यास्पद लगता है। जिसने कभी कोई काम नहीं किया, कोई विकास की बात भी छोड़ दीजिए, किसी ने विकास का कोई एक काम बताइए जो किया हो। पथ निर्माण मंत्री थे, एक दो पुल बनाए उनके सामने में धराशायी हो गया वो भी, और पुल पुलियों कुछ पुल पुलिया गिरे हैं उसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन अब वो भी बड़ी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब पुल क्रॉस करते हैं तो डर लगता है, ये स्थिति बिहार में आ गई है, पुल का गिरा रहे बरेली के बाजार में, अब है पुल गिरा रहे बिहार में। निश्चिंत रहिए, लालू जी के शासन में पटना में जो गांधी सेतु था, गांधी सेतु की हालत क्या हो गई थी आप लोग देखे होंगे, गए होंगे तो, घंटों जाम लगते थे, इतनी जर्जर स्थिति में थी, शायद अब तो अभी तक तो गिर गई होती। हमने उस पुल को हजारों करोड़ रुपया लगा के उस पुल के स्वास्थ्य को ठीक करने का काम किया, हम बिहार के स्वास्थ्य को ठीक करने में लगे हैं। कुछ पुल पुलिया गिरे जरूर है, उसकी जांच हो रही है, लेकिन जिसने पुल पुलिया बनाया ही नहीं, अरे जिसने कोई काम नहीं किया वो भी कह रहे हैं कि पुल पुलिया गिर रहा है, हद हो गया। जिसकी पार्टी की जड़, जिसकी पार्टी की शुरुआत भ्रष्टाचार के नींव पर हुआ हो, जिसकी पार्टी की शुरुआत अपराधियों के बलबूते हुआ, वो भी अपराध बढ़ने की बात, भ्रष्टाचार बढ़ने की बात करते हैं, एकदम से जैसे लगता हो कि लाज भी लजा गई होगी इनसे। हर पेपर लीक का सरगना उनके घर से तार जुड़े होते हैं, हर भ्रष्टाचारियों का तार उनके घर से जुड़ा होता है, हर अपराधियों का तार उनके परिवार से जुड़ा होता है, वो भी अपराध भ्रष्टाचार पुल पुलिया सब पर बोलते हैं। उन लोगों को बोलने के पहले जरा अपने चेहरे को आईने में देख लेना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनकी उत्पत्ति ही भ्रष्टाचार करने की हुई, वो पुल पुलिया की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण। वहीं आनंद मोहन के बयान को लेकर के इन्होंने कहा कि इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए हम अधिकृत नहीं हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, कहते रहे मीडिया दर्शक, धन्यवाद।